मीडिया के माध्यम से उन काउंसलरों के लिए मैसेज है जो आज तक इस कॉलोनी में रह चुके हैं, अगर ये लोग सही तरीके से अपनी भूमिका और अपनी जिम्मेवारी को निभाते तो आज मुझ जैसे युवा को खड़े होने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने सिर्फ 5 सालों में इस टारगेट किया है कि हर कॉलोनी में, हर गली के अंदर हम दारू का मैसेज और कुछ लुभाने जैसी चीज़ों को लेकर कहां तक सक्षम हो सकते हैं और कहां तक इस चीज़ को पहुंचा सकते हैं। देखिए, चुनौती देना ही मेरा सिर्फ एक मकसद नहीं है, मेरा एक पब्लिकली मैसेज है पब्लिक के बीच में। हाँ जी सर, आप किन मुद्दों को लेकर चुनावों में खड़े हुए हैं इस बार? देखिए जी, जो हमारा मेन मुद्दा है नगर निगम को लेकर, उन बातों को शुरू करने से पहले मैं सभी देशवासी और कॉलोनी वासियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम अखिलेश सक्सेना है और मैंने वार्ड नंबर 3 से जो है इस चुनावी बुगल में अपना जो है दमखम दिखाने की कोशिश की है। और मेरे जो यहाँ के मेन मुद्दे हैं वो सिर्फ नगर निगम के तहत ही रह के हैं, क्योंकि जिस तरह पानी की व्यवस्था देख लो, या सफाई व्यवस्था देख लीजिए, या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देख लीजिए, या फिर यहाँ के मकान के मालकाना हक को लेकर देख लीजिए, और बच्चों के मेन अपना क्या कहते हैं पढ़ाई के माध्यम को देख लीजिए, या फिर युवाओं के रोज़गार को देख लीजिए, बहुत से ऐसे जो किस्से हैं, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारी जो जो मेरी अपनी जो रणनीति है चुनाव को लेकर, हम इसी सोच के साथ इस चुनाव में उतरे हैं। आप शिवसेना की तरफ से चुनाव में उतरे हैं और आप एक निम्न स्तर से अपना कार्य करते हैं, एक रेडी चलाते हैं समोसे की, फिर आपको क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, चुनाव में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आपने किया, आज तक किसी भी मीडिया पत्रकार ने मेरे साथ नहीं किया है, परंतु मैं चाहता था कि ये कोई ना कोई क्वेश्चन मेरे से करे और इसका जवाब तभी मैं दे पाऊँ। मेरा तो सिर्फ जनता से और मीडिया के माध्यम से उन काउंसलरों के लिए मैसेज है जो आज तक इस कॉलोनी में रह चुके हैं, अगर ये लोग सही तरीके से अपनी भूमिका और अपनी जिम्मेवारी को निभाते तो आज मुझ जैसे युवा को खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने सिर्फ 5 सालों में इस टारगेट किया है कि हर कॉलोनी में, हर गली के अंदर हम दारू का मैसेज और कुछ लुभाने जैसी चीज़ों को लेकर कहाँ तक सक्षम हो सकते हैं और कहाँ तक इस चीज़ को पहुँचा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने इस चीज़ का ही बड़ा रुझान किया है। इन्होंने कभी भी किसी भी माता पिता से आकर ये नहीं पूछने कोशिश की कि उसके बच्चे ने पढ़ाई लिखाई करी है, अगर पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई तो उसको आगे भविष्य में क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मात्र भविष्य में ये कामना की है कि इस गली में उनके कितने कार्यकर्ता हैं और कितने घरों में दारू का पहुँचाने का कार्य किया जाए। आपके सामने कांग्रेस भी खड़ी है, बीजेपी के भी हैं और आपके उम्मीदवार भी आ चुके हैं, आप उनको किस तरह की चुनौती देते हैं? देखिए, चुनौती देना ही मेरा सिर्फ एक मकसद नहीं है, मेरा एक पब्लिकली मैसेज है पब्लिक के बीच में, और इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से मैंने चुनाव में बिगुल बजाया है। जिस प्रकार मैंने अपने शब्दों में पहले कहा है कि अगर काउंसलर महोदय जी अगर अपनी जिम्मेवारी को सही से निभाते तो मुझे नहीं लगता कि मुझे चुनाव में उतरने की ज़रूरत भी थी, परंतु मैं आप मीडिया के माध्यम से इतना फिर कहना चाहूँगा जिस प्रकार मैंने पहले भी कहा है कि मुझे अगर लोक सेवा भाव का मौका देते हैं नगर निगम में, तो मैं अपनी पूरी कर्म निष्ठा के साथ नगर निगम के तहत जो भी कार्य होंगे ज़्यादा से ज़्यादा करके दिखाऊंगा और बापूधाम के मॉडल को अच्छा मॉडल बनाने की कोशिश करूँ। और इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से मैंने चुनाव में बिगुल बजाया है। जिस प्रकार मैंने अपने शब्दों में पहले कहा है कि अगर काउंसलर महोदय जी अगर अपनी जिम्मेवारी को सही से निभाते तो मुझे नहीं लगता कि मुझे चुनाव में उतरने की ज़रूरत भी थी, परंतु मैं आप मीडिया के माध्यम से इतना फिर कहना चाहूँगा जिस प्रकार मैंने पहले भी कहा है कि मुझे अगर लोक सेवा भाव का मौका देते हैं नगर निगम में, तो मैं अपनी पूरी कर्म निष्ठा के साथ नगर निगम के तहत जो भी कार्य होंगे ज़्यादा से ज़्यादा करके दिखाऊंगा और बापूधाम के मॉडल को अच्छा मॉडल बनाने की कोशिश करूंगा, और जो भी मुझे तनख्वाह प्राप्त होगी मैं निस्वार्थ किसी भी गरीब बच्चे की पढ़ाई में डोनेट कर दूंगा या किसी बिटिया की शादी में दे दूंगा। अभी यहाँ पर वार्ड नंबर 3 से बीजेपी के पार्षद मौजूदा रह चुके हैं और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनके कार्य से संतुष्ट नहीं हैं? देखिए, संतुष्टि वाली बात है कि आप लोग जिस तरह पत्रकार मेरे सहयोग में हैं या फिर सभी के सहयोग में लगे हैं, परंतु आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा भूलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चाहे इस वाली एंट्री से एंट्री करिए, चाहे ट्रांसपोर्ट वाली एंट्री से एंट्री लीजिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि बापूधाम में सफाई को लेकर कितना ज़्यादा काम किया हो हमारे काउंसलर महोदय जी ने,
कि बापू धाम को कवाड़ धाम बना दिया इन्होंने। जीतने के बाद आप सबसे पहले किन किन मुद्दों को, किन किन चीजों को आप करेंगे? मेरा जो सबसे पहला मेन मुद्दा है कि जो नगर निगम के तहत बहुत से ऐसे अधूरे कार्य हैं, उसमें सबसे पहला जो मेरा हक है लोगों को मालिकाना हक दिलाना, जो लोगों का अपना पहला राइट है। उसके बाद सफाई व्यवस्था को लेकर जो मेरी सख्ताई रहेगी वह मैं मौके पे ही आप लोगों को बता सकता हूँ, या मेरे से लिख के लेने के लिए तैयार है तो मैं वो भी दे सकता हूँ। वार्ड वासियों को क्या अपील करना चाहते हैं आप? देखिए, मेरी वार्ड वासियों से यही अपील है कि इस बार जो है धर्म जाति को भूलकर इंसानियत की तरफ ध्यान दें, और जो भी व्यक्ति आपको लगता है कि ये कार्य करने के लायक है उसी व्यक्ति को चुने ना। मैं मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि ना तो मैंने किसी से वोट की जबरदस्ती करी है और ना ही मैं देने के लिए कहूँगा। बेशक मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूँ, मेरा चुनाव चिन्ह गन्ना किसान है। तकरीबन हम सभी लोग कहीं ना कहीं पीछे से देखा जाए तो गरीब किसान परिवारों से ही जुड़े हुए हैं। मेरा चुनाव निशान गन्ना निशान है, बाकी आप लोग जहाँ दिल करें वहाँ पर अपना चुनाव चिन्ह वोट देने की कोशिश करें, परंतु ऐसा भी ना हो कि आप लोग वोट देने ही ना जाएं। वोट देना आप लोगों का अधिकार है, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट भी करें। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।